अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका मोटरसाइकिल सुबह के टाइम पहली किक पे स्टार्ट क्यों नहीं होता। अक्सर ये होता है कि बाइक पहली किक पे सुबह के टाइम स्टार्ट नहीं होता, 20 से 30 किकें लगानी पड़ती है, उसके बाद जाके बाइक जो है स्टार्ट होता है। या ये होता है कि बाइक को चौक देते हैं तो बाइक स्टार्ट हो जाता है, जब चौक नीचे करते हैं तो बाइक बंद हो जाता है। तो बाज़ ये भी होता है कि चौक भी उठा रहे होते हैं फिर भी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा होता। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है, किस वजह से बाइक आपको मसला करता है, तो आज पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाइक जो है सुबह के टाइम स्टार्टिंग में मसला करे तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसकी तीन चार प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसके कार्बोरेटर के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादातर कार्बोरेटर के अंदर प्रॉब्लम होती है, कार्बोरेटर की पेट्रोल की सेटिंग जो है वो सही नहीं होती, जिसकी वजह से आपका मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्टिंग में मसला करता है। या तो स्क्रू उस साइड पर लगे हुए हैं ये, तो स्क्रू की सेटिंग सही नहीं होती, या इसकी ट्यूब सिलाई की सेटिंग सही नहीं होती। तो इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की सेटिंग जो है वो नहीं सही होती। तो जो सिलाई ट्यूब है इसकी सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी सेटिंग भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। और इसके अलावा कार्बोरेटर की बात होगी, अब हम नीचे की तरफ इंजन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों इसका प्लग का सही गैप नहीं होगा, गैप जो है वो ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा कम होगा, तब भी मोटरसाइकिल स्टार्टिंग में मसला करेगा। अगर इसके टैपट दोस्तों यहाँ पे इसके टैपट होते हैं, ठीक है, ये कवर दोनों खोल के इसके यहाँ पे टैपट होते हैं, अगर टैपट ज़्यादा टाइट हो या उनकी सही एडजस्टमेंट ना की जाए, तब भी आपका बाइक जो है सुबह के टाइम स्टार्टिंग में मसला करता है। और दोस्तों इसके अलावा करंट कमज़ोर हो, तो बात ये होता है कि करंट जो है वो कमज़ोर होता है, या ये होता है कि मोटरसाइकिल करंट जो है वो छोड़ देता है, आप किक्के मार रहे होते हैं लेकिन करंट की तरफ ध्यान नहीं देते, तो ये भी एक लहदा मसला है, ये सुबह वाला मसला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन चीज़ों का मसला ज़्यादातर होता है। इसके अलावा इंजन ऑयल जो सर्दियों में यूज़ होता है 20-40 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 20-40 ऑयल आपने सर्दियों में यूज़ करना है, तो 20-50 भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 20-40 जो है वो सर्दियों के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ऑयल यूज़ करें, लेकिन ऑयल जो है आप एक नंबर यूज़ करें, कॉपी ऑयल यूज़ ना करें, तो ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, सिलाई ट्यूब मैं खोलता हूँ दोस्तों जी। तो दोस्तों हम इसकी सिलाई ट्यूब को खोलने लगे हैं, तो ये हाथ की मदद से नहीं खुल रही है, तो इसका हम प्लास की मदद से इसको खोल लेंगे दोस्तों। जी तो दोस्तों सिलाई ट्यूब, ये इसकी सिलाई ट्यूब है। अभी हम इसकी सेटिंग आपको बताते हैं कि आपने इसकी कौन सी सेटिंग रखनी है। इसको इस तरह प्रेस करेंगे दोस्तों, ये जो इसकी अंदर सिलाई है इसको इस तरह प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर से ये एक लॉक निकलेगा दोस्तों। लॉक को आपने साइड पे रख देना है, उसके बाद ये चीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारे पास बाइक है इसकी सेटिंग पहले ही बहुत ज़्यादा आउट है। इसके अंदर पांच निशान होते हैं, पांच यहाँ पे कट दिए होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे इसके दोस्तों पांच जो है वो कट होते हैं। तो इसकी सेटिंग जो सबसे ऊपर वाले पे इसने लॉक रखा हुआ है, तो इस वजह से ये बाइक सुबह के टाइम जल्दी स्टार्ट नहीं होती और मसला करती। तो हम इसका ये लॉक निकाल के इसको एक पॉइंट नीचे कर देंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये दरमियान वाले जो तीन कट हैं इसके, यानी कि ऊपर से एक, एक नीचे से छोड़ के, इन तीनों कट पे आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको फुल ऊपर कर देंगे तो आपकी मोटरसाइकिल जो है वो जल्दी सुबह के टाइम स्टार्टिंग में मसला करेगी और जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। अगर आप इसको सबसे नीचे कर देंगे तो आपकी बाइक जो है पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये जब भी आपने सेटिंग करनी है तो ये चीज़ पे बड़ा ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसका लॉक निकालते हैं, लॉक निकाल के इसको इसके कट नीचे कर देते हैं।
ये तो दोस्तों आप इस तरह प्रेस करोगे उसके बाद लॉक जो है बाहर आ जाएगा, और ये इसका नीचे की साइड पे हम फिट कर देते हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप खुद भी घर में कर सकते हैं। अभी हम सिलाई के अंदर लॉक जो है वो फिट कर देते हैं, और इसके ऊपर जो ये लॉक लगता है दोस्तों ये भी हम इसके अंदर फिट कर देते हैं। इसको दोस्तों लॉक को इसके अंदर रखेंगे, उसके बाद इसको पेचकश की मदद से प्रेस करेंगे तो इसका लॉक जो है वो बैठ जाएगा। जी तो दोस्तों लॉक इसका बैठ चुका है, लॉक को आपने बिल्कुल इसी तरह बिठाना है। अब हम इसको वापस फिट कर देते हैं। तो दोस्तों इसका मैं एक आपको तरीका बताना चाहता हूँ कि इसके ये जो कट है ये कट चौक के मुखालफ साइड पे आना चाहिए, और ये जो छोटा कट है ये इसका आना चाहिए चौक वाली साइड पे, या ये समझें कि ये जो छोटा कट है ये उस साइड पे आना चाहिए जिधर रेस वाला स्क्रू लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसको फिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों ये काम करने के बाद अभी हम इसका प्लग खोलते हैं, और प्लग खोलने से पहले मैं आपको टैपेट की सेटिंग बता देता हूं। तो दोस्तों इसकी सेटिंग जो है आपने 0.05 mm या 0.08 mm पे ही रखनी है, इससे आप या ज़्यादा लूज़ या ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। और इंजन ऑयल का भी मैंने आपको बताया कि इंजन ऑयल बिल्कुल इसका ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसका करंट का भी मैं आपको बता देता हूँ, करंट जो है दोस्तों आपने किस तरह चेक करना है वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपने बाइक को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके यहाँ से पकड़ के रखें, ये नहीं कि आप बाइक की ये जो वायर है इसको इस तरह हाथ से पकड़े, आप इसको प्लास से भी पकड़ सकते हैं। प्लास से पकड़ के इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके आपने इसका करंट देखना है। करंट का कलर दोस्तों अगर ब्लू कलर हुआ तो इसका मतलब आपका करंट बिल्कुल ओके है और कोई मसला नहीं है करंट के अंदर। अगर आपका करंट जो है वो येलो नज़र आ रहा है, आपको करंट इसका येलो है, तो इसका मतलब है कि आपका करंट सही नहीं है, आपका बाइक जो है वो करंट कहीं छोड़ता है जिसकी वजह से आपका मोटरसाइकिल पहली किक पे स्टार्ट नहीं होता। तो बाज़ ये होता है कि आप चला रहे होते हैं जब बाइक गर्म होता है तो वो स्टार्टिंग में मसला कर देता है तो वो करंट छोड़ता है। तो दोस्तों वो कॉइल का ज़्यादातर मसला होता है या इसकी CDI यूनिट का मसला होता है, इन दो चीज़ों का दोस्तों मसला होता है। अब हम प्लग खोलते हैं, प्लग खोल के इसकी सेटिंग आपको बताते हैं। जी तो दोस्तों हमने प्लग जो है इसका खोल लिया है, प्लग आप देख सकते हैं। अब हमने इसकी प्लग की सेटिंग करनी है, प्लग की सेटिंग किस तरह करनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लग भी इसका बिल्कुल ब्लैक है, और ये जो आरी ब्लेड होती है दोस्तों आरी ब्लेड लेंगे, आरी ब्लेड को इसके अंदर गुजारेंगे, इसकी सेटिंग इसके बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो इसकी सेटिंग बिल्कुल दोस्तों सही है, इसलिए हम प्लग की सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे। आरी ब्लेड जो है दोस्तों इसके दरमियान से गुजरना चाहिए, ये ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा करीब भी नहीं होना चाहिए, बस आरी ब्लेड जो है इसके साथ इस तरह गुजरना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम प्लग भी इसका फिट कर देते हैं। अब दोस्तों हम इसका होल्डर भी फिट कर देते हैं। अब दोस्तों हमने कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट आपको बतानी है, तो कार्बोरेटर की एडजस्टमेंट आपने किस तरह करनी है। तो दोस्तों ये एक स्क्रू लगा हुआ है, एक स्क्रू ये लगा हुआ है, ये स्क्रू होता है रेस की एडजस्टमेंट करने के लिए, यानी रेस को ज़्यादा या रेस को कम करने के लिए। ये स्क्रू होता है इसका पेट्रोल वाला, इससे आप पेट्रोल ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि इसको फुल टाइट करके इसको डाइट चूड़ी जो है दोस्तों खोल देना है, तो ये आपका बाइक का पेट्रोल जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी रेस जो है बराबर कर लेनी है बाइक को स्टार्ट करके। तो इसका कार्बोरेटर आप देख सकते हैं इस टाइम पे इसकी हालत, तो इसको भी क्लीन होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे रस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए।
तो दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों पे तवज्जो करेंगे तो आपका बाइक 100% पहली किक पे स्टार्ट होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।